संडे के दिन भी हम लोग को बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती है और संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि उस दिन कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बच्चों का जो खाना पीना है उनकी डिमांडें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। जैसा कि पता है इस समय शादियाँ बहुत ज़्यादा इतना ऊपर पड़ी हैं, जैसे रोज़ एक शादी पड़ रही थी तो जाना पड़ रहा था, और इसी वजह से मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा था। और ये देखिए कितने हमारे यहाँ फूल सुंदर सुंदर हैं और इस समय खिले हुए हैं, तो अच्छा लगता है कि छोटा सा बगीचा हमारा कितना हरा भरा है और कितने फूलों से भरा है। और आप सभी के साथ खुशी से शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है। और फिर मैं आके यहाँ पे नहा चुकी हूँ, नहा के मैं पूजा करूँगी जाके, फिर मैं आपसे मिलूँगी, क्योंकि पूजा के बिना काम नहीं आगे बढ़ता है। और मैंने संडे के दिन है बाल भी धुले थे, और क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है नाश्ता, तो पूजा करके मैं आपसे मिलती हूँ। और इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी कर ली है। उधर बच्चे हमारे टीवी देख रहे हैं, संडे का दिन है तो टीवी देखते ही हैं और कहाँ जाएं, और फिर अपना मौज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने मटर को साधारण सिंपल सा मैंने डाला है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और बस नमक और हल्का सा मिर्चा, ज़्यादा नहीं। और इसको हम हेलो फ्रेंड्स, जय संतोषी माता, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज है संडे, तो संडे का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, तो बन रही है चाय और मटर, और बच्चों को दे देते हैं और फिर ना। और आज बनाऊंगी मटर की सब्जी और चावल रखे हुए हैं रोटी सेकेंगे बस। और आज का मौसम देखिए कितनी तेज़ धूप हो, बहुत तेज़ धूप है और इतनी गर्मी है। इतना कपड़ा फैलाने गए थे तो इतना पैरों में गर्म गर्म लग रहा था, चप्पल पहन के नहीं गए थे, अचानक ऐसे ही चले गए थे। मैंने सोचा चलो कपड़े डाल आते हैं, घर पे हो तो हर समय 24 घंटा चप्पल नहीं पहन मिलता है, छत पे गए तो ऐसे ही चले गए, तो पैरों में बहुत तेज़ गर्म लग गया। और मेरा मनी प्लांट देखिए कितना प्यारा खिला हो, बहुत अच्छा लग रहा है मनी प्लांट। और आप सब कैसे हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था, क्योंकि इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि इतनी शादियाँ थी, बहुत ज़्यादा शादी निपटा चुकी हूँ। और एक तो भाजी की शादी, इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और वैसे दो तीन शादी ऐसी थी तो मैंने वीडियो इसका बनाया ही नहीं, क्योंकि फिर कहते हैं कि कहीं जाओ तो मन कुछ थकावट जब ज़्यादा होती है ना किसी चीज़ की, तो फिर कोई भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो मैंने कोई भी वीडियो शादी के नहीं बनाए हैं, फिलहाल मेरी शादी सारी निपट चुकी है और बस ये है। अब मेरा ब्लॉग कंटिन्यू आएगा और रोज़ आएगा, और ये वाला ब्लॉग आज संडे है तो संडे का ब्लॉग है वो सोमवार को ही जाएगा। अब सोमवार से ही स्टार्ट कर देंगे ब्लॉग डालना और बस कंटिन्यू बने रहेंगे। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, पंखा चलता रहता है और बच्चे हमारे टीवी देख रहे दिखाते हैं। और उधर बच्चे हमारे मूवीज देख रहे हैं, और इधर हम नाश्ता कर लेते हैं, बच्चों को दे दिया है, वो टीवी देखते देखते अपना नाश्ता करेंगे, और हम यहाँ पे अकेले नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ना मुझे नाश्ते में कुछ ना कुछ चाहिए, थायराइड की वजह से ना मैं खाली पेट नहीं रह पाती हूँ, और कोशिश बहुत कर रही हूँ कि माँ संतोषी का व्रत रहने की, पर नहीं हो पा रहा है। सच में इतना बुरा लग रहा है कि मैं हमेशा संतोषी माता का व्रत रहती हूँ और इसकी थायराइड की वजह से नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि बिना खाए कुछ रहा ही नहीं जाता है। और इसके बाद मैं आ गई यहाँ पे, जो प्याज और लहसुन टमाटर है इसको हम छील लेते हैं, इसको काट के पीसेंगे, और क्योंकि सब्जी बनाना है और दोपहर के टाइम में खाना खाने आते हैं मेरे हस्बैंड, और दोपहर के टाइम ही खाना खाते हैं, वही 1-1.5 बजे के समय तक खाते हैं खाना, और तब तक लिए सारा इंतज़ाम करूँगी, खाना बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने मसाला पीस लेते हैं, पर क्या था कि लाइट ही नहीं थी, जब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब बहुत ज़रूरी होता है ना तब लाइट नहीं होती तो बहुत ही गुस्सा आती है। और फ्रेंड्स, जब से मैंने सुना है ना, और इस समय यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चल रहा है कि
सपना चौधरी के हस्बैंड हैं और उनका एक्सीडेंट होके मृत्यु हो गई है ना, बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। मैं चार दिन से मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं डाला था, और क्योंकि शादियाँ इतनी हो रखी थी, हर रोज़ एक शादी थी, तो इस वजह से ना मुझे कोई ब्लॉग भी नहीं बना पाई और टाइम भी नहीं मिला, इसी वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं डाल पाई और ना ही मैंने मोबाइल खोल के देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और सच में कल के मैंने जब मोबाइल खोला तो देखा यार, सच में यार इतना बुरा लगा सुन के, बहुत बुरा लगा। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ घी बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं घी बनाने की सोच रही थी। ये देखिए कितना चटक रहा है ना मसाला, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए ना कुकर का ढक्कन है ना, ये छोटा वाला कुकर है, उसी का ढक्कन मैंने यहाँ पे लगा दिया, और क्योंकि वो पास ही में रखा था तो मैंने दूसरा फिर लगाया उसी का। और इधर मेरा घी है बन रहा है, और इतना मसाला चटक रहा है, बहुत ज़्यादा चटक रहा है बहुत, और क्योंकि मैंने साथ ही साथ रख दिया तो बहुत बड़ी गलती हमने की है यहाँ पे, और क्योंकि मुझे नहीं यहाँ पे रखना चाहिए। फिर भी मेरी आदत ऐसी है कि चलो कोई बात नहीं, रखा है यहाँ पे, हम ढक्कन कुछ रगे वगैरह लगा देंगे ताकि जो होगा तो वो नहीं। और यहाँ पे देखिए सब हमने मसाला हो गया है और यहाँ पे हम रख देते हैं। और फ्रेंड्स ना मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा मेरी फ्रेंड्स जो मेरी बहुत प्यारी प्यारी बहनें हैं, उनकी वीडियो इनकी वीडियो देखी, तब मुझे पता चला कि हाँ उनके हस्बैंड मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया। पहले मैं ऐसे सोच रही थी ऐसा कुछ नहीं है, और क्योंकि व्यूज़ पाने के लिए लोग ऐसे ही अफवाह फैला देते हैं, तो ये सोच रही थी। पर जब मैंने बहुत ही ज़्यादा तहकीकात, क्योंकि मैं जब सपना चौधरी के जब मैंने वहाँ पे चैनल पे जाके देखा, तो वो भी मैंने 3-4 दिन पहले देखा था जब वो अपने मायके जा रही थी, अपने गांव का दिखा रही थी, तभी के मैंने देखा था, क्योंकि उसकी हर वीडियो मुझे अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। और क्योंकि उसके जो बड़े हस्बैंड जो मतलब पहले वाले हस्बैंड एक कोविड में ख़त्म हुआ था ना, तो तब से मैं देख ही रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उनके ऑफिस के बाद अपने देवर के साथ शादी की तो जोड़ी अच्छी लग रही थी, और पर क्या है भगवान के मंजूर जो है वही होगा। और यहाँ पे मैं ढक्कन लगा देती हूँ, क्योंकि इतना मसाला चटक रहा था, छटक रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़रा सा भी एक बूंद भी मसाला हमारा छटक के घी में चला जाएगा तो घी ख़राब हो जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे लगा दिया है ताकि नहीं छटकेगा। तो यहाँ पे हम बर्तन धुल लेते हैं, तो बर्तन यहाँ पे मैं बैठ के क्यों धुल रही हूँ, सच में इतना मुझे गुस्सा आ रहा था कि कुछ पूछो ना। कभी कभी ऐसा नुकसान हो जाता है ना, जैसे चूहे हमारे वॉश बेसिन का जो पाइप है बर्तन धुलने वाला किचन का, तो ऐसा हुआ कि पता नहीं कहाँ से चूहा आ गया, उसने नीचे से पाइप काट दिया, पूरी पाइप काट दिया और इतना बड़ा नुकसान कर दिया। सच में जब मैं सुबह उठी और मैंने थोड़ा सा हाथ धुलने, मेरी आदत है ना कि कोई भी चीज़ है कभी मैं किचन को साफ़ करती हूँ ना, सबसे पहले कपड़ा धुल के और उसको निचोड़ के मैं किचन को साफ पहले करती हूँ, किचन में जब घुसती हूँ। और जैसे ही मैंने टंकी खोला और थोड़ा सा बस जैसे ही कपड़ा मैंने डाला और धुल के और किचन से देखा तो नीचे पानी गिरने लगा, तो मैं देखी पानी कहाँ से आ रहा, देखा तो पूरा पाइप कटा हुआ था, इतना गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। फिर तभी यहाँ पर बैठ के मैं बर्तन धुल रही हूँ, और मेरे हस्बैंड आएंगे दोपहर को लेकर आएंगे तभी लगा देंगे, और सच में बहुत गुस्सा आ रही थी। तो फिर क्योंकि मतलब मेरी आदत हो गई है कि किचन में खड़े होकर बर्तन धुलने की, तो मैं बैठ के नहीं धुल पा रही हूँ, क्योंकि थायराइड की वजह से ना मेरा शरीर इस समय इतना सूजा हुआ है बहुत ज़्यादा, इस समय के वो सूजा भी है। और मुझे ना 3-4 दिन लगातार मुझे बाइक से जाना पड़ा ना शादियों में, और कम से कम बहुत दूर दूर जाना पड़ा, तो इस वजह से ना मेरी और भी शरीर का जो मतलब सूजन है बढ़ गया, इसी वजह से मैं बैठ के यहाँ पे बर्तन नहीं धुल पा रही थी। और सच में तो बहुत मुश्किलों से मैंने यहाँ पे बर्तन धुला है। और फ्रेंड्स जो भी नहीं आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको दबा दीजिए और सपोर्ट कीजिए, और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ जैसी भी है अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करो। और बस और इसके बाद यहाँ पे ना शाम को यहाँ पे इतना आंधी पानी आ रहा था बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और फ्रेंड्स और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, जब थोड़ा सा
हवा चलती है ना तेज़, तो बहुत खुशी महसूस होती है। और पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी।